प्यारा सा फूल है ये, एक टाइप का मीठा मीठा होता है खाने में। हाँ यार पेड़ पे तो चढ़ गया बट उतरना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। ये इसके अंदर ये चीज़ है ना, ये चीज़ इसको ठीक है फिर अंकल जी। हाँ जी बहुत हाँ जी हाँ जी हाँ जी एंडलेस जर्नी भैया। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक अगेन। तो अभी मैं बरोट वैली में हूँ एंड आज मैं निकल रहा हूँ बरोट वैली से मणिकरण के लिए। तो मेरा प्लान ये है कि मैं यहाँ से मणिकरण जाऊँगा एंड मणिकरण का कुछ एरिया एक्सप्लोर करूँगा, आफ्टर ऑल वापस मंडी के लिए रिटर्न आऊँगा। एंड अभी मैंने सारा कुछ सामान अपना पैक कर लिया है, ये मेरे वही दो बैग हैं। अभी बस अपनी बाइक नीचे लगी है तो अभी फटाफट मैं चाय वाय पीऊँगा, बाइक के पास जाऊँगा। जैसे ही यहाँ से धूप निकलती है मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। तो फटाफट चलते हैं, चलो बने रहिए हमारे साथ। एंड वीडियोज़ अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड अपनी अगर आपने मेरी वरोट की पिछली वीडियो नहीं देखी है जो कि हम गए थे बड़ाग्रा, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, आप ज़रूर चेक करिएगा, वो विलेज बहुत प्यारा है। एंड अभी मैं पहुँच चुका हूँ नीचे रोड में एंड अच्छी खासी धूप भी निकल पड़ी है। तो अभी यहाँ से सफ़र स्टार्ट करते हैं, सामान पूरा फिट है एंड अब निकलते हैं मणिकरण। मणिकरण यहाँ से मेरे को पड़ेगा 100 समथिंग किलोमीटर, मे बी 150 तक है। तो अभी फटाफट यार अपनी राइड आज की स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। कोई नहीं चलते हैं, अभी सफ़र का शुरू करते हैं। जय हो भोले शंकर। हाँ ठीक है अम्मा, मिलते हैं अगली बारी। बड़ा प्यारा होम स्टे है यार, बड़ा मज़ा आया मुझे यहाँ पे, बड़ा अच्छा लगा अंकल आंटी से मिलके। अभी पेट्रोल थोड़ा कम है तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे 1 लीटर 2 लीटर कुछ ले लूँगा ताकि मैं पेट्रोल पंप तक पहुँच जाऊँ, उसके बाद तो देखते हैं। एंड मैं आपको भी पर्सनली एक बात बता रहा हूँ, आप ब्रॉड वैली में आते हो फास्ट फूड बहुत सही है भाई यहाँ का, लाइक मोमोज एंड चाउमिन ज़रूर खाइएगा आप इधर आते हैं तो, बड़ा सही है। आपको चाउमिन मोमो के साथ खाने के लिए पीने के लिए मिलेगा सूफ, जो भी बड़ा मेरे को सही लगा यहाँ का। मेरे को वो चीज़ सबसे बेस्ट लगी है कि फ़ास्ट फूड में भाई मोमोज चाउमिन का टेस्ट बहुत प्यारा है, मैंने काफ़ी खाए हैं यहाँ पे। ओह उल रिवर का नज़ारा कुछ ऐसा है, इस साइड से कुछ ऐसा है। ओहो एंड भाई बरोट ज़्यादातर फेमस है रिवर साइड कैंपिंग के लिए, वहाँ पे भी देख लो ऐसे प्यारे प्यारे होम स्टे, कैंपिंग साइट, कैफ़े, बहुत चीज़ें हैं जो कि टूरिस्ट को अपनी साइड अट्रैक्ट करती है। प्यारे प्यारे लोकेशन है यार यहाँ पे देख लो, साथ में पानी आ रहा है एंड बड़ा प्यारा वुडन से बना के रखा है, पीछे भोलेनाथ जी का मंदिर है। यही तो सबसे बड़ी शान है यहाँ पे, आपको हर जगह कहीं ना कहीं, और यहाँ पे फिश फार्म भी है, प्यारे प्यारे रेस्टोरेंट है, ये चेक कर लो आप, बड़ा प्यारा रेस्टोरेंट है यहाँ पे। ऐसी ऐसी लोकेशंस आपको मिलती रहेंगी बरोट वैली में। ये देख लो यहाँ पे भी एक बड़ी प्यारी कैंपिंग साइट बनी है, मुझे लग रहा है 1000 रुपीज़ पर नाइट के हिसाब से आपको ये पड़ेगा यहाँ पे। तो बरोट वैली में यार कैंपिंग साइट के लिए बहुत मशहूर है ये रिवर साइड कैंपिंग। वॉचिंग 2 किलोमीटर, अभी मेरे को पेट्रोल कहीं ना कहीं से तो पता करना ही है। कैसे लीटर? 120 रुपये है ना। ठीक है ठीक है भैया, तो भैया जल्दी है थोड़ी है ना, जल्दी दे देना। पेट्रोल मिल गया है फाइनली, पेट्रोल डलवाते हैं, 120 का लीटर पड़ रहा है। 10 रुपये कम चलेंगे,
10 कम ही चलेंगे, 2 लीटर दे दो। 230 है। हाँ जी, तो पॉकेट में यही है, कर लो एडजस्ट। हाँ जी, हेलो भैया, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ वो तो है, बात है, थोड़ा ऊपर है ना, दूर है ना। हाँ आप भी सही हो, इतना तो बनता है फिर। हाँ गुराला में आप पेट्रोल डलवा सकते हो, आपको मिल जाएगा। अभी देख लो रिवर, बट इस साइड थोड़ा पानी कम है ना, अभी पानी कम रहता है, विंटर में तो पानी की कमी हो ही जाती है, बिकॉज जब ज़्यादा ठंड रहेगी तो ग्लेशियर पिघलेंगे नहीं, एंड पिघलेंगे तो फिर पानी अच्छा आएगा। वॉचिंग वन, काफ़ी सफ़र बाकी है, एंड ये चेक करो, प्यारा सा ब्रिज है एंड रिवर का नज़ारा। अभी आपको मैं बहुत ही हॉरर पॉइंट पे लेके चलता हूँ। मैन ये क्या है, ओ माय गॉड, वो है जी ब्रॉड रिवर चल रही है, पीछे से आ रही है, बड़ा ही डरावना व्यू है मैन, आगे जाने में भी डर लग रहा है। वाओ, तो भाई लोग यहाँ से अपने को ले रहे हैं ऊपर साइड को टर्न, नीचे को रॉन्ग है, नीचे को किसी विलेज के लिए गया होगा, ये जाता है डायरेक्ट मंडी के लिए। कटौड़ा, ओके भैया। भाई लोग मैं आया तो यहाँ से था, बट जाने को मेरे को भाई सभी लोग सजेशन ये कर रहे हैं कि यहाँ से जाओ, क्योंकि अच्छा रोड है, व्यू अच्छा है। अभी देखते हैं कि कैसा है वो, यहाँ पे मुझे लग रहा है ऑफ रोडिंग रहने वाला है भाई। जंगल के बीचों बीच से निकल रहा हूँ मैं, एंड ये रोड मुझे कनेक्ट करेगा कुल्लू के साथ, कुल्लू पहुँच जाऊँगा यहीं से, मंडी मुझे नहीं जाना पड़ेगा, शॉर्ट रूट भी पड़ेगा एंड व्यू भी अच्छा है। मज़ा तो है बट थोड़ा सा रिस्क भी है यार, ऐसी जगह पे ना बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती है, बाइक ख़राब हो जाए तो भी दिक्कत आ जाती है, मेन हाईवे पे हो तो हज़ारों लोग मिल जाते हैं, ऐसी जगह आपको कोई नहीं मिलेगा, सुनसान रोड पे आप सोलो चलते रहो बस। एंड आपको बताता हूँ कि ये क्या है, इसको मेरी साइड बोलते हैं चीव, चीव करके बोलते हैं इसको। यार पेड़ पे चढ़ना पड़े, ऐसे नहीं निकलेगा ये, पेड़ पे चढ़ते हैं, एक तो खाऊंगा, थोड़ी सी भूख भी कम हो जाएगी यार, एंड ये अच्छा भी होता है खाने में। जब इस पहाड़ों के बीच से आया हूँ तो पहाड़ों का फील भी तो लेना मुझे चाहिए ना यार। ओह या, ये कुछ काफ़ी दूर है, मेरे से पहुंचा ही नहीं जाएगा मुझे लग रहा है, यहाँ से देखता हूँ ये। ओह हाँ, ये एक है, देखो प्यारा सा फूल है ये, एक टाइप का मीठा मीठा होता है खाने में। यार पेड़ पे तो चढ़ गया बट उतरना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, मैं इसे कूद जाऊँगा। वन टू थ्री, या ये है देखो, इसको बोलते हैं जी चीव, ये चीव है, अभी मैं खा के बताता हूँ आपको। ये इसके अंदर ये चीज़ है ना, ये चीज़ इसको निकाल दिया जाता है,
लाइक आपको इसको यहाँ से पकड़ना है, ऐसे खींचना है, ये देखो ये अंदर से खाली हो जाएगा। अच्छा यार, खाने के लिए अच्छा है। यहाँ पे कुछ तो मिल जाएगा मुझे खाने के लिए, मुझे उम्मीद है। ये देख लो यार, ये है पद्धर, काफ़ी हाइट पे है मैंने ये, एंड ये रोड मेरे को लग रहा है मंडी के लिए निकल रहा है, ये कुल्लू के लिए निकल रहा है। हाँ तो अभी मैगी वैगी खाई है एंड अब कंटिन्यू करते हैं अपने सफ़र को आगे की तरफ। ठीक है ठीक है, एंडलेस जर्नी, एंडलेस जर्नी जर्नी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ओके जनाब। नहीं हाथ मत जोड़ो, आप बड़े हो, मैं जोड़ूंगा आप जोड़ोगे। नहीं नहीं नहीं, आप जैसे मेरे बेटे ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो तो है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी भैया, चंबा में प्रॉपर चंबा में रख लो लगभग। हाँ सलोनी भाई, सलोनी सलोनी, हाँ जी हाँ जी, सलोनी से हूँ मैं भैया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, फेसबुक पे, फेसबुक पे मेरा अंकी कपूर हिमाचली है। आप यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर देना, वहीं से आपको लिंक मिल जाएगा। हमने देखा को, हाँ आपकी वीडियो बन रही है, बन रही है। ठीक है फिर अंकल जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, एंडलेस जर्नी भैया। वाओ मैन, क्या सही फील है भाई। वाओ यहाँ से है कटिंडी 702, कटोला एंड कुल्लू 57 किलोमीटर दूर है कुल्लू, तो अपने को लेना है सीधा। इस रोड में काफ़ी सारी रोड है जहाँ पे आप भूल सकते हो, तो रोड का खास ध्यान रखो, कई बार मैप रॉन्ग लेके जा रहा है आपको, डिफरेंट वो मंडी की तरफ लेने की ज़्यादातर कोशिश करेगा इस रोड से कम। गेस्ट हाउस है भाई, इतना बड़ा गेस्ट हाउस है क्या ये, सारा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी लग रही है मेरे को। बड़ा सही है, बहुत ज़्यादा सही है। चलो बट कितना निहारे अब। पूरा का पूरा लकड़ी का आर्किटेक्चर है गाइस, बहुत प्यारा लग रहा है ये मंदिर। अंदर से भी काफी अच्छा ही होगा, बाहर से ऐसा है तो फिर अंदर से कैसा होगा, एक बार इमेजिन करो आप। चलो यार चलते हैं, अच्छा है, अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा है, पीसफुल प्लेस है ये। मुझे लग रहा है मंडी, चंडीगढ़, मनाली, दिल्ली, यही लग रहा है। हाईवे गाइस, ओह मैन, ये भी एक अलग ही एक्सपीरियंस है। पार्वती रिवर के साथ चला हूं मैं बाइक लेके। वाह, काफी सुना था, काफी वीडियोस देखी हैं, एंड आज उस मोमेंट को मैं जी रहा हूं लाइव। ये मेरी जिंदगी का एक अच्छा पल है जिसको मैं अच्छे से जीना चाहूंगा। कसौल 4.7 किलोमीटर, ये है कुछ कसौल की वादियां गाइस। मैंने कहा कैंपिंग साइट बनी हुई है, बट नहीं भाई, यहाँ तो बंदे रुके हैं। ये चली है पार्वती रिवर, पहुंच गए हम कसौल,
एंड टूरिज्म देख लो भाई, काफ़ी बंदे हैं, बट अपने को इधर नहीं रुकना है। आज हम कसोल एक्सप्लोर नहीं करेंगे, आज हम निकलेंगे मणिकरण। सही लग रहा है, वाओ मणिकरण, वाओ यार, चल भाई चल।